जरा बचके में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी नाइन। फिशिंग स्कैम्स काफी सालों से चल रहे हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में देखा है कि ये और भी सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं। नई नई तरह से लोगों को झांसे में डाला जा रहा है और उनसे उनकी मेहनत की कमाई छीनी जा रही है। फिशिंग स्कैम क्या होता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, ये सब समझने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारत के जाने माने साइबर लॉयर पवन दुग्गल। बहुत बहुत धन्यवाद पवन आने के लिए। कई सालों से आप और मैं इस बात पर चर्चा करते आए हैं फिशिंग स्कैम्स के बारे में, लेकिन देख रहे हैं कि ये और भी नए तरीके से अब सामने आ रहे हैं। तो ये फिशिंग स्कैम क्या होते हैं, अगर आप हमारे जो नए दर्शक हैं उनको आप बता सकें, और कैसे इनसे बचा जा सकता है, अगर इस पर भी आप कुछ बता सकें। देखिए, जब से COVID-19 आया है, पूरी दुनिया भर ने साइबर क्राइम का स्वर्णिम युग का प्रारंभ देख लिया है। तो लाजमी सी बात है, आज साइबर क्राइम हमारे चारों ओर है, और अगर हम साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो हमें अचंभित नहीं होना चाहिए। आज अगर दुनिया भर में पहला सबसे सर्वश्रेष्ठ साइबर क्राइम माना जाता है तो वो फिशिंग माना जाता है। फिशिंग वास्तविक तौर पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे मछुआरा होता है, वो अपना जाल पानी में फेंकता है, इंतजार करता है कि मछली आकर जाल में फंस जाए और फिर मछली को उठाकर बाहर निकाल लेता है। ठीक इसी प्रकार का प्रकरण आज साइबर क्रिमिनल्स कर रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स कहीं ना कहीं आपका विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं। आपको इस तरीके से संपर्क भेजेंगे या कॉन्टैक्ट या जानकारी या मैसेज भेजेंगे जो आपको लगेगा एक विश्वसनीय स्रोत से आया है, और एक बार आप वो खोलेंगे तो उसमें कहा जाएगा कि या तो ये फला लिंक है, आप फला लिंक पर क्लिक करें, आपको पैसे मिलेंगे, आपको लॉटरी मिल जाएगी या कुछ आपको अवार्ड मिलेगा, या फिर आपको कहा जाएगा कि इसके साथ एक अटैचमेंट है, कृपया इस अटैचमेंट को खोल लीजिए ताकि आपको ज्यादा जानकारी मिल सके कि सरकार आपको किस तरह का अवार्ड दे रही है, या आप COVID-19 से कैसे बच सकते हैं, या RBI आपको किस तरीके से पुरस्कार 50 लाख का दे रही है। जब इस तरह के ईमेल्स आपको आएंगे या मैसेजेस आएंगे जो सरकार से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या हेल्थ डिपार्टमेंट से होंगे, तो आपको लगेगा चलिए भाई ये तो विश्वसनीय है, खोल लेते हैं। द मोमेंट आप उसे खोलते हैं, लिंक पर क्लिक करते हैं या अटैचमेंट खोल लेते हैं, तो बैक एंड में होता यह है कि आपका जो भी डेटा है एकदम चुरा लिया जाता है, और अगर फाइनेंशियल डेटा है तो उसका तुरंत दुरुपयोग करके आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। फिशिंग के माध्यम से आज लगातार भारतवासी कॉन्स्टेंटली पैसे गवाते आ रहे हैं, और दुनिया भर के जब मैं आंकड़े देखता हूं कि पिछले साल $6 trillion से ज्यादा दुनिया भर में लोगों ने पैसे गवाए, और उसमें अधिकांश जो स्रोत था वो फिशिंग के अनुसार था। तो इसलिए मुझे लगता है आज फिशिंग बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई है, हमें उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें जागरूक होना चाहिए। सवाल यह है कि हम अपने आप को फिशिंग के अटैक से किस तरीके से बचा सकते हैं। पहली बात, हम भारतवासी हैं, हम विश्वासी हैं, हर चीज पर विश्वास करते हैं। शायद यही मानसिकता को त्यागने का समय आ गया है। आज समय है कि आप कहीं ना कहीं अविश्वास का, डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का की जो भावना है उसको अपने मस्तिष्क में लेकर आए। हर चीज को जब तक विश्वास ना करें, जब तक आप उसकी इंडिपेंडेंट कोरोबोरेशन ना कर सके सर्च इंजन पर, कोशिश करें अपनी डिवाइसेस को सुरक्षित रखें। इसके लिए कहीं ना कहीं ये मानसिकता कि मेरी साइबर सुरक्षा मेरी सरकार की जिम्मेवारी है, उसको छोड़ना होगा। साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की अभिन्न शैली के स्वरूप में हमें अपनाना पड़ेगा। अपने डिवाइसेस को, अपने मोबाइल फोन को सिक्योर करना पड़ेगा, अच्छा बैकअप रखना पड़ेगा, अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम डालना पड़ेगा, अच्छे फायरवॉल डालने पड़ेंगे ताकि आपको अनावश्यक जो अटैक हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिल सके। कोशिश करें अपनी जो सेंसिटिव पर्सनल जानकारी है, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, उनको अपने डिवाइस पर, अपने फोन पर कृपया ना रखें। कोशिश करें अपनी जानकारी को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करें। सारी दुनिया को आपकी सारी जानकारी जानने की आवश्यकता है नहीं, और उसे साझा भी ना करें। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, जहां तक हो सके कोई भी अनजान स्रोत से आपको मेल आई है, संदेश आया है, उसे खोले ना, उसके अंदर कोई लिंक है उसे क्लिक ना करें, कोई अटैचमेंट ना खोले। क्यों? क्योंकि अगर आप ये बुनियादी चीजों को करेंगे तो काफी हद तक आप पोटेंशियल एक्सपोजर से बच जाएंगे, और अगर खुदा ना खास्ता अगर आप फिशिंग के आक्रमण के शिकार बन भी जाते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी
जो कुछ विकल्प हमारे पास हैं, आप पुलिस अधिकर्मियों को जाकर लोकल थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आवश्यकता है तो आप केंद्रीय गृह मंत्रालय का पोर्टल है cybercrime.gov.in, वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कंसर्न्ड बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी को जहां से फिशिंग अटैक का असर आपको नजर आया है वहां पर भी रिपोर्टिंग करके अपने अकाउंट को ब्लॉक करा सकते हैं। कॉन्स्टेंटली सतर्क रहिए। देखिए, साइबर क्राइम आज जिंदगी का हिस्सा बन गया है और ये लगातार हमारा एक कॉन्स्टेंट लाइफ लॉन्ग कंपेनियन होने वाला है। तो जब इस तरह की चुनौतियां हमारे सबके सामने हैं, तो जागरूक होने से, सतर्क होने से और साइबर रेजिलियंस को जीवन का हिस्सा बनाने से काफी हद तक हम फिशिंग के आक्रमण के शिकार होने से बच सकते हैं। पवन जी, आप लॉयर हैं और हमारे देश में किसी भी केस पर कन्विक्शन आने में कई साल लग जाते हैं, क्या साइबर क्राइम भी वैसा ही है कि क्या यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स बनी है साइबर क्राइम यूनिट्स पुलिस फोर्सेज में, कि थोड़ी ज़्यादा जागरूकता है जुडिशरी में भी और ये केसेस जल्दी होते हैं, क्या ऐसा होता है क्या? हमारी धारणा तो होती है कि साइबर क्राइम है तो सब कुछ बटन दबाएंगे हो जाएगा, वास्तविकता धारणा से बहुत दूर रहती है। वास्तविक तौर पर बहुत ज़्यादा गैप है जो हमारी एक्सपेक्टेशन है और जो ग्राउंड रियलिटी है। 2003 में भारत की पहली साइबर क्राइम कन्विक्शन में मैं कंप्लेनेंट का वकील था और उस जमाने में जब हमें कन्विक्शन मिली तो हमारा उत्साह बहुत बढ़ गया, हमें लगा कि चलिए अब नया एक अध्याय प्रारंभ होने वाला है। उसके बाद कुछ तो हमें कन्विक्शंस मिली, लेकिन 2008 के संशोधनों के बाद भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में एक अकाल सा आ गया साइबर क्राइम कन्विक्शंस का। उसका कारण यह है कि अधिकांश साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध बना दिया गया और भारतवासी तो वैसे जुगाड़ू हैं, जब उन्हें कोई भी साइबर क्राइम करना होता है वो सबसे पहले जुगाड़ करते हैं, अपने विरुद्ध जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको नष्ट कर देते हैं और उसके बाद निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही प्राप्त नहीं हो पाया पुलिस को तो उनकी कन्विक्शन नहीं हो पाएगी। यही कारणवश है कि इस कन्विक्शन के अकाल में हम पा रहे हैं कि फिशिंग को लेकर कोई कन्विक्शन आज तक भारत में नहीं हुई है और अब तो उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सिद्धांतों को इतना ज्यादा डिटेल में परिभाषित कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अदालत में साबित कर दिखाना स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही कारणवश है कि आज फिशिंग रिलेटेड मैटर्स में अक्सर कन्विक्शंस नहीं होती। दूसरी बात, आज जागरूकता की भी कमी है। कुछ तो हमारे यहाँ पुलिस अधिकारी बहुत अच्छे हैं जो साइबर क्राइम के विभिन्न पहलुओं को जानते हैं, लेकिन अधिकांश जो पुलिस अधिकारी हैं वो साइबर क्राइम से पूरी तरीके से अवगत नहीं है। तो जो उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्राइम में, वो अक्सर नहीं बरत पाते और यही कारणवश होता है कि अधिकांश केसों में कन्विक्शंस नहीं होता। साथ ही साथ जुडिशरी को भी ज्यादा जागरूक बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अल्टीमेटली अब ज्यादा से ज्यादा मामलों में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ रहा है। COVID-19 युग में तो हर जो हम गतिविधि कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ ताल्लुक रखती है, तो इसलिए उन्हें भी साइबर क्राइम के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्यादा जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। आज हमारा वर्तमान जो कोर्ट सिस्टम है वो साइबर क्राइम के संदर्भ में पूरी तरीके से खरा नहीं उतरा है। आवश्यकता है कि भारत में स्पेशल साइबर क्राइम की अदालतें हों जो मुख्य तौर पर केवल साइबर क्राइम के ही मुकदमे डील करें और उनको एक समय बद्ध दिया जाए, लिमिट के साहब ये अगले 2 महीने में या 3 महीने में आप इस पूरे मुकदमे को खत्म करेंगे। जब तक हम इस तरह की प्रणाली नहीं करेंगे, कानून को सशक्त नहीं करेंगे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को हम इफेक्टिवली संशोधित नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है वर्तमान स्टेटस को रहेगा और जो वर्तमान लोगों की एक डिसिल्यूशन है वर्तमान प्रणाली के प्रति वो कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर सरकार का बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है कि यहाँ ठोस कारगर कदम उठाए ताकि भारत एकजुट होकर साइबर क्राइम की चुनौती को इफेक्टिवली एड्रेस कर सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन दुग्गल। और जैसे आपने सुना, पवन ने कहा आपसे कि सतर्क रहें, फिशिंग एक बहुत बड़ा स्कैम है, जरा बच के रहें।